चित्रकूट धाम के रूप में सजा कोठी मीना बाजार 9 दिन तक। श्री राम स्वरूपाचार्य के मुखारबिंद से बहने वाली श्री राम कथा की रसधारा से सराबोर रहेगा। वहीं श्री कामनाथ सेवा समिति द्वारा आयोजित की जा रही 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। इसी के साथ कलश यात्रा का जगह जगह पुष्पावर्षा कर भक्तों ने स्वागत किया। कलश यात्रा में भक्ति का सैलाब उमड़ा, साथ ही मंत्रोच्चारण के संग 3100 कलश स्थापित कराए गए। भक्ति का ऐसा सैलाब मानो पीताम्बर वस्त्र धारण कर गंगा नदी बह रही हो। बैंड बाजों संग भक्ति में झूमते गाते हजारों भक्त सिर पर पवित्र कलश लिए और रथ में सवार श्री कामदगिरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगतगुरु रामनंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य महाराज श्री कामनाथ सेवा समिति द्वारा कोठी मीना बाजार में 20 से 28 सितंबर तक आयोजित होने जा रही श्री राम कथा के तहत भक्ति और उमंग के साथ कलश यात्रा का आयोजन किया गया। बनारस से आए 21 ब्राह्मणों द्वारा कथा स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापित कराए गए। जयपुर हाउस स्थित चिंताहरण मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। जिस क्षेत्र में भ्रमण करते हुए कथा स्थल कोठी मीना बाजार पर विराम लिया, प्रथम कलश मुख्य अतिथि विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने अपनी धर्म पत्नी सीमा उपाध्याय को प्रदान कर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर भक्तों का स्वागत किया गया। रथ में सवार श्री कामदगिरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु रामनंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य महाराज के दर्शन और चरण स्पर्श को हर भक्त व्याकुल दिखा। 20 से 28 सितंबर तक श्री राम स्वरूपाचार्य महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक श्री राम कथा की रसधारा बहेगी। क्या परिचय है आपका? डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्यागी, महामंत्री श्री कामतनाथ सेवा समिति आगरा। आज किस तरीके का क्या कार्यक्रम है? आज हमारी कलश यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। 3100 महिलाओं के साथ में शोभा यात्रा निकलेगी। अभी कुछ समय के बाद में हमारे व्यासपीठ जगतगुरु स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज विराजमान होंगे और इस कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और कल से हमारी विधिवत तरीके से 20 तारीख से 28 तारीख तक श्री राम कथा का भव्य शुरुआत होगी। हमारी कोठी बाजार में 1 बजे से 4 बजे तक आरंभ होगा। मैं आपके माध्यम से समस्त आगरा वासियों को निवेदन करना चाहूँगा, इस भव्य और श्री राम कथा के सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोग जरूर पधारें और आज शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए आप अपनी उपस्थिति जरूर दें। क्या परिचय है आपका? मैं दीनदयाल मित्तल, पंकज मित्तल से शिवला से। कलश यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहेंगे ये भव्य कलश यात्रा होगी आगरा की और रामकथा 9 दिन चलेगी आगरा में। मेरी सभी आगरा वासियों से, आसपास वासियों से निवेदन है कि रामकथा का सब श्रवण करने जरूर आए और लाभ उठाएं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हाँ, जय बोले जी, मैं कामतनाथ सेवा समिति का अध्यक्ष होने के नाते आज कलश यात्रा आयोजन का भव्य और दिव्य आयोजन किया, जिसमें मेरे साथ में मीडिया प्रभारी लवकेश चौधरी जी भी और कार्यालय प्रभारी सत्यन पारसर जी साथ में रहे। इनके पूरी समिति का सभी का सहयोग और भरपूर रहा है और मैं कल 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में कथा का रसपान किया जाएगा कोठी मीना बाजार के। मैं आगरा के धर्म प्रेमियों से कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कथा का रसपान करें और आनंद लें। जय कामतनाथ। कथा से पूर्व प्रतिदिन बनारस से आए 21 ब्राह्मणों द्वारा हवन यज्ञ कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से समिति के अध्यक्ष रामसेवक शर्मा, महामंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्यागी, रामबीर सिंह चाहर, अशोक कुमार फौजदार, दीनदयाल मित्तल, पंडित किशोर लवानिया, मुख्य यजमान डॉक्टर जय प्रकाश त्यागी, मुरारी लाल त्यागी, श्रीकांत त्यागी, हकीम सिंह त्यागी, शैलेंद्र उपाध्याय, पिंकी त्यागी, बबीता पाठक, क्षमा शर्मा, रेणु शर्मा, रौनक शर्मा, गीता देवी, ओमवती देवी, वाणी शर्मा, ममता शर्मा, कल्पना, राकेश त्यागी, रजनी त्यागी, भावना, दुर्गेश, सरोज मंगल आदि उपस्थित थी। 25 सितंबर को विश्वविख्यात गायक अजय याग्निक द्वारा कथा स्थल पर शाम 5 बजे से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। वहीं 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय कवियों द्वारा मानस कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।